आ जाओ बैठ जाओ, कैमरा फोर के करना था ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ से आए आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से आए? जिला सिवान, छपरा, गया, आरा। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। नमस्कार जी, नमस्कार। आ जाओ बैठो 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 बैठो। आज तुम्हारे लिए आया हूँ मैं स्पेशल। चलो बताइए। अरे सर, बनारस से। बनारस से? आप दोनों? बस हम बिहार से, बनारस से जो स्टेशन पे या जो ट्रेन पकड़ी है। हाँ, थोड़ा आगे आने के बाद। हाँ, तो हम इसे तो देखे, पता था ट्रेन तो किसे बात करने में चाहिए, बट इसका देखें तो एक लड़की है सर, अपने बल बूते पे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बैड है, बट इसका मतलब जो होता है ना हिम्मत दे पड़ के, तो मतलब मुझे लगा कि चलो एक मुझे बहन मिल गई, इतना खुश हुआ। तो बहन मिली, बोले चलो यार अब ट्रेन तो जानते हैं ऐसे ऐसे लोग होता है, इसको देखे इसका पहले पिताजी नहीं है। रोना नहीं बेटा, तो रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। इसका पिताजी नहीं है और फिर हम तो मेंटल हो चुकी है, बट ये क्या हुआ, इसके पास टैलेंट ही है, टैलेंट लड़की अपने कॉलेज में ये निकल चुकी है रनर में, इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर जब वो सुबह में हम जब ट्रेन पकड़ी रात को, सुबह में इससे बात नहीं कर रहे थे, फिर बोली छोटी कहाँ जा रही है तू, फिर सो रही थी, इसको दिक्कत हो रहा था सोने में, चल तू मेरा सीट पर सो जा, हम बैठ जाते हैं, उसमें मेरा कोई वाहन है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे कोई सच्चा वाहन मिल जाए, बात मार के जैसे इंडिया में सब तो बहाने हैं। फिर बोले चल मुझे छोटी तू सो, इसके लिए मैं रात में तकलीफ सहा, बोले ऊपर वाला देख रहा है, तो फिर सोई काफ़ी अच्छा से। फिर बोले कहाँ जा रही है, बस बोले कि भैया एकेडमी में, तो हम बोले पक्का ये फिजिकल रूम में जा रही है। कौन से एकेडमी में आए थे? उसी में आए थे? हाँ। अरे वाह सर, ये शेरनी है, शेरनी हकीकत में बोला हूँ सर, जैसे आपका वीडियो ये देखता है छोटा भाई, हम बोले कि अभी मत जाओ। बिजी एकेडमी हो जी सर? कब आए? कल सर। कल आए सर। ये लोग क्या, थोड़ा सा मैं बिजी तो हो गया था ना इसलिए सर, अब जो नए बच्चे को पहचान नहीं पा रहा हूँ। जी सर, कोई बात नहीं, मेरे काम केवल ग्राउंड का रहता है। वहाँ पे देखे ना, मतलब पहले तो आप तो बोल चुके हो तो भाई, जब तक मैं शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं आप किसी को पैसा देने वाला था नहीं, क्योंकि मैं आपका शक्ल से आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप पे विश्वास है, और गार्जियन के तौर पर मैं रहा था। फिर बोले कि भाई इंदौर फिजिकल एकेडमी में जाएंगे, तो बाबा से मुलाकात होगा, तो भाई एडमिशन का कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार है, आपसे मुलाकात वहाँ पे हुआ था, देखे ना मतलब एक जुनून होता है ना, मेरे अंदर जुनून जग गया। हाँ चलो, सुबह तो आए नहीं आप? सर आया था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं। सुबह नहीं आए आप? तो सर सुबह कब आए आप ग्राउंड? नहीं सर, हम ग्राउंड में, मेरा गलती एक हो गया कि मुझे नहीं पता था कि गेट लॉक हो जाता है, अंदर से मैं लॉक हो गया, मैं आने के लिए तैयार था बट लॉक हो गया। ये सर इसका जो था ये वाकई में सेठ नहीं है, इसका अपने मुँह से भी बोल दी तो सही बढ़िया रहेगा। बोलिए आप। सोनभद्र यूपी में पड़ता है ना, बनारस आरो लगता है ना। हाँ सोनभद्र, हमारे यहाँ तीन चार बंदे एक साथ में आए थे, सोनभद्र के अभी आप बताइए। अकेले आए हैं? फोन लगाया था आपने एकेडमी में? जी जी, जी जी मैंने अपना नाम भी बताया था जी, फिर मैंने ड्राइंग के लिए कहा था, तो कोई मतलब ऐसा नहीं, मुझे कंफर्म ही नहीं था कि यही है कि कोई और। जी जी जी, मैंने कई बार जाकर वहाँ पर देख कर, तो फिर यहाँ पर आने के बाद में कैसा लगा आपको? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब यूट्यूब में वो बताया है, उससे तो बेटर। सर एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो ये एकेडमी खोले, एकेडमी नहीं खोले हो, ये समझो कि फौजी का ट्रेनिंग दे रहे हो सर। अगर इसी तरह सर यहाँ पे एक और जो लड़का बोलता है, मैं वीडियो की तो अगर बन रहा हूँ तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो बने तो सर अगर रोटी भी चला मिल रहा ना, तो मैं उससे अमली समझ के खा लूंगा। अब मैं जो जला हुआ रोटी भी ले खाया हूँ, बोले मुझे वो रोटी दो, यहाँ पर छाटा जाता है ना, इसलिए मुझे वो रोटी दो, क्योंकि आर्मी में जब लड़के जाता ट्रेनिंग के लिए ना, इतना बेटर खाना नहीं मिलता है सर, इतना बढ़िया कभी खाना नहीं मिलता, लेकिन मैं खुश था बहुत ज्यादा। वाकई में सर आप भगवान हो इन बच्चों के लिए, मालिक परमात्मा है, बस दुआ से बाद आप लोग। मेरा तो सर ये भी अंतरात्मा बोल रहा है कि आपको एक दिन नोबेल पुरस्कार मिलेगा पक्का, क्योंकि सर आपके अंदर जो वो टैलेंट है ना, जो बोला जाता है मेरी मम्मी बता रही है, जो अंदर से ना, अंदर से सच हो, सत्य हो, उसको कोई नहीं पिछाड़ सकता है। आपका नकल करके कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई नहीं पिछाड़ सकता। अपने अपोजिट बहुत सारे वीडियो अपलोड कर देते लोग जलनसार के हिसाब से कि यहाँ पर, यहाँ पर अब यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती है, बस मैं ये सोचता कि यार ये मेरी बहन है,
पर एक माता के रूप में आती है ये। बस यहाँ से कुछ बन के जाए और अपने एकेडमी का नाम रोशन करे। इसको जब मैं सिचुएशन बोले उतरे तो बोले तुम उतरो तो मेरे साथ चलो, हम तुम बोले चलेंगे अपने बल पर चल गए, हम बोलेंगे हम भी किसी से कम नहीं भाई। मतलब इसको कोई भी तकलीफ नहीं है यहां पर आने के लिए, इसको लाया है जाती लड़की। हां इसको बोले कभी कुछ मत करना, हम है ना एडमिशन वहां पर गए जब आपको देख लिए ना तो भी इसको सुकून हो गया, संतुष्टि मिल गया, उसको भी मिल गया। भैया मुझे तो बहुत कुछ हुआ सर। आप क्या करते हैं अभी? तो मैं सर अपना पार्ट टाइम जॉब करता हूं। ये बोला बहुत सारी एकेडमी है लेकिन आपने इंदौर फिजिकल एकेडमी का क्यों सोचा, सही बताना मुझे आप। यहाँ तो अब एकेडमी चलो यहाँ पर, लेकिन इस एकेडमी के बारे में तो लोग बहुत अफवाह फैलाते हैं कि वो ऐसा ये ऐसा। सर आपको नहीं पता ना, आप तो वीडियो बना रहे हो लेकिन आपको नहीं पता यहाँ तो करोड़ों में आपका फैन है। लोग बिहार में तो आपके नाम पे लड़का तो वो तो दौड़ रहा है लो, लंगड़ है धीरे धीरे वो भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया लो, जिसको कुछ पता नहीं तो भी आपके नाम पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। भैया से ऐसे में थे बाका पागल का वो भी करें कि इंदौर एकेडमी में जाओ आपका सर, वो तो एसआई बन चुके हैं। हाँ सीएचओ का दरोगा बन चुके हैं, आपका नाम बोले ना ये बोला तो वो सर बोले ना कि नहीं नहीं लेके जाओ उसके पास उनके पास लेके जाओ, वो सच में वाकई में हकीकत बात है। मंगाना भी ड्यूटी करते हैं सर, सच में मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 महीना ठीक गया ना तो पाका 4:40 तो क्या 4:32 में निकालेगा। आप सर जो चले इधर बिहार आता का आर्मी में ड्रेस मिल जाए मिलेगा जरूर। मैं बहुत अच्छे से मेहनत करना और भैया मेरे तो एक सिद्धांत है, कोई भी यहाँ पर भाई आया या बहन आई बस मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया और मैंने भी यही सिखाया है कि किसी का कभी भी कोई शोषण मत करना, किसी को अभी गुमराह मत करना, जीवन में सक्सेसफुल होना लेकिन मेहनत करना, जितना ज्यादा मेहनत कराओगे परिणाम उतनी तगड़ा है। क्योंकि आज है 12 जनवरी और आज है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद भी है। किसका आपका? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं हमेशा कि उठो जाओ और तब तक भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, है ना। लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा अंदर का मजा भी आएगा। नरस मत होना, भाई तेरा मिल गया मैं तेरा भाई हूँ, मेहनत हम करवाएंगे सक्सेसफुल वर्दी को मिलेगी, ठीक है ना। बस नरस मत होना, हमेशा हमेशा तेरे साथ में मेरी बहन, ठीक है ना। आप कहाँ से आए? देवरिया यूपी, गोरखपुर के पास में। वेरी गुड। आप? वाराणसी। आप आओ अंदर आओ, आप कहाँ से आए? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? कोटा राजस्थान पास में ही है। अपन गुजरात। गुजरात में कहाँ से? झारखंड से सर। झारखंड में कहाँ से? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। गोड्डा, चलो कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? नो सर। बढ़िया ट्रेनिंग जैसा यूट्यूब में देखा सर मिला? यस सर। बस मेहनत करना आपका कर्तव्य है, मेहनत करोगे सफलता आपको मिलेगी, है ना। चलते चलते वीडियो मिल गया। सभी भाइयों को स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप युवा है, नर्वस कभी मत होना। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि जब तक भागना, जब तक दौड़ना, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसलिए दोस्तों मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, पसीने से नहाइए, खून पसीना एक करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।